कल आठ अंगों की चर्चा अपनी पूरी हो चुकी और अंत में एक समरी रूप से मानो जितनी अपनी पूरी चर्चा हुई है सम्यक दर्शन के स्वरूप को लेकर के, तो उसके साथ कुछ पैराग्राफ आया था लेकिन बहुत ही उपयोगी और आवश्यक माने महत्वपूर्ण यह छोटा सा पैराग्राफ है, उसको समझते हुए फिर अपन आगे बढ़ते। प्रश्न क्रमांक 203 इस प्रकार उक्त प्रकार से तीन मूर्ता आठ मन छह अनायतन और शंका आदि आठ दोष रहित शुद्ध जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान जिसका लक्षण है ऐसा सरार सम्यक्त्व नामक व्यवहार सम्यक्त्व जान। माने अभी तक अपन जितनी चर्चा करके आए हैं जो बाह्य पक्ष था माने किसी भी अनु को उठा करके देखें तीन मूर्ता माने 25 दोषों से रहित बना जो अपन ने देखा, तो ये सब व्यवहार सम्यक्त्व खाते में डाले माने ये सब व्यवहार सम्यक्त्व होते हैं। मुख्य बात यहाँ पे ये भी है कि जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान उसे यहाँ पे व्यवहार सम्यक्त्व दर्शन कहा जा रहा है। माने कहीं कहीं तो हमने निश्चय सम्यक्त्व दर्शन की परिभाषा पढ़ी सात तत्वार्थों का श्रद्धान होना ये निश्चय सम्यक दर्शन, और यहाँ तो जीवादि तत्वार्थों के श्रद्धान को भी व्यवहार सम्यक दर्शन के खाते में डाला जा रहा है। तो फिर तत्वार्थों का श्रद्धान होना ये निश्चय सम्यक दर्शन है कि व्यवहार सम्यक दर्शन है? देखिए दृष्टि का अंतर है, माने सात तत्वों का नाम निश्चय या व्यवहार नहीं है। किस अभिप्राय से हम उनसे सम्यक दर्शन कह रहे हैं, मानो उसके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह रहे हैं, वह निश्चय या व्यवहार का निरूपण किया जाए। माने इन्हीं सात तत्वार्थों में यदि एक चैतन्य तत्व को देखा जाए नव तत्वों में छुपी हुई जो एक आत्म ज्योति है, माने अभेद रूप से यदि उनका श्रद्धान किया जा रहा है तो वह निश्चय सम्यक दर्शन के खाते हैं, और जहाँ भेद रूप से तत्वार्थों का श्रद्धान किया जा रहा है वह व्यवहार सम्यक दर्शन के खाते हैं। व्यवहार सम्यक्त्व माने इसको ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो सम्यक दृष्टि रूप है सम्यक दृष्टि है उसका व्यवहार कैसा होगा। जिससे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है जिससे आत्मानुभूति प्रकट हुई है तो उसका व्यवहार कैसा होगा, वो व्यवहार सम्यक दर्शन के स्वरूप को पढ़ करके हमें ख्याल में आया। जो सम्यक दृष्टि जीव है उसे देश का उनका श्रद्धान होगा, उसे सात तत्वों सात तत्वार्थों का भेद रूप श्रद्धान होगा। भेद रूप श्रद्धान माने मैं जीव हूँ अजीव नहीं हूँ आश्रम बंद ये है संवर निद्रा एक देश उपाधि है और मोक्ष पूर्ण हुआ, तो ऐसा भेद रूप श्रद्धान होगा या नहीं होगा। भाई जैसे शिकंजी बनानी है, शिकंजी बनाने के लिए पहले उसके भेदों का श्रद्धान होगा कि नहीं होगा, कि इसमें नींबू भी चाहिए नमक भी चाहिए पानी भी चाहिए, ये सारा ज्ञान होगा
तब जाकर के वो सिकंजी का एक अभेद रूप से आनंद लिया जा सकता है। तो माने जो सिकंजी का अभेद रूप से आनंद ले रहा है उसका मतलब उसे नींबू शक्कर नमक के सबका ज्ञान है। उसी प्रकार जैसे निश्चय समय दर्शन प्रकट हुआ है माने जैसे आत्म स्वरूप का ज्ञान श्रद्धान हुआ है तो उसे बाकी सात तत्वों का भेद रूप श्रद्धान भी निश्चित रूप से। माने जो सम्यक दृष्टि जीव है उसका व्यवहार कैसा होता है माने उसके व्यवहार पक्ष को दर्शाने वाला वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। माने जो सम्यक दृष्टि जीव होगा तो उसके बाहर में परिणाम कैसे होंगे शुभ परिणाम हो तो सारे शुभ परिणामों को सम्यक दर्शन नाम दिया। माने जो सम्यक दृष्टि जीव का व्यवहार जो भी जैसा भी होगा जैसे उसके परिणाम होंगे जैसे उसका आचरण होगा उस सबको सम्यक का नाम दिया गया और इसलिए उसे व्यवहार सम्यक नाम दिया गया। बात ध्यान में आने तो यहाँ पे जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान इसे भी व्यवहार सम्यक कहा। व्यवहार सम्यक क्यों कहा क्योंकि यहाँ भेद रूप श्रद्धान की बात है अनेक एक ही तत्व का सात तत्वों का भेद रूप श्रद्धान तो इसलिए उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। वहीं यदि अभेद श्रद्धान ले तो निश्चय समय दर्शन कहा जाएगा। माने जीवादि सात तत्वार्थों का यदि भेद रूप श्रद्धान पकड़े तो वह व्यवहार समय दर्शन के खाते में और उन्हीं जीवादि तत्वार्थों के श्रद्धान को यदि अभेद रूप से लिया जाए सात तत्वार्थों में क्या दिखता है एक शुद्धात्मा ही तो दिखाई दे रहा है चाहे जीव कहे आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष ये सब में क्या दिखाई दे रहा है आश्रय किसका नाम है माने शुद्धात्मा को भूलकर जो कुछ हो रहा है वो आश्रय दिखाई क्या दिया आश्रय दिखाई दिया। बंध की बात करें शुद्धात्मा को भूलने पर जो कुछ हो रहा है वो सब बंध है दिखाई क्या दे रहा है संवर हुआ संवर में क्या हुआ कि शुद्धात्मा के लक्ष्य से जो विकासता की उत्पत्ति हुई किसका लक्ष्य किसका है वो संवर रूप से परिणमित कौन हुआ है शुद्धात्मा ही तो परिणमित हुआ है संवर निद्रा मोक्ष इन सब रूपों से परिणमित होने वाला कौन है ये शुद्धात्मा ही है। माने अभेद रूप से श्रद्धान किया जाएगा तो इन नव तत्वों में छुपी हुई एक आत्मज्योति ही दिखाई देती है और उस आत्मज्योति का श्रद्धान होना वह सम्यक दर्शन है तो ये निश्चय सम्यक दर्शन है। और उसी को यदि भेद रूप कथन करके कहें कि जीवादि सात तत्वार्थों का श्रद्धान होना उसका नाम सम्यक दर्शन तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन दिखाते हुए चला। माने जिनवाणी को पढ़ करके कन्फ्यूज नहीं होना कि कहीं तो एक ही चीज को निश्चय सम्यक दर्शन कहा और वहीं उसको व्यवहार सम्यक दर्शन भी कहा जा रहा है। सात तत्वार्थों के श्रद्धान को निश्चय सम्यक दर्शन भी कहा जाएगा व्यवहार सम्यक दर्शन भी कहा जाएगा लेकिन कहां किस अभिप्राय से कथन किया गया है उसको समझना आवश्यक है। चलिए तो आठ दोष रहित शुद्ध जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान जिसका लक्षण है ऐसा सरार सम्यक्त्व नामक व्यवहार सम्यक्त्व जानना। अब देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे एक तो सरार सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व। तो जीवादि तत्वार्थों के श्रद्धान को सरार सम्यक्त्व कहा और वह सरार सम्यक्त्व व्यवहार सम्यक्त्व ही है। दो चीजें हो गई एक सरार सम्यक्त्व और एक व्यवहार सम्यक्त्व। व्यवहार सम्यक्त्व माने कि जो सम्यक्त्व तो नहीं माने जो सम्यक दर्शन तो नहीं है लेकिन उपचार से सम्यक दर्शन कहा जाता है वह व्यवहार सम्यक दर्शन। बात पकड़ में आ रही है व्यवहार सम्यक दर्शन माने क्या जो वास्तव में तो सम्यक दर्शन नहीं है लेकिन किसी उपचार से निमित्त की अपेक्षा अथवा सहचारी बने की अपेक्षा सम्यक्त्व कहा जाता है वह व्यवहार सम्यक दर्शन। अब सरार सम्यक्त्व माने क्या कि बात तो यहाँ पे भी सम्यक दर्शन की ही चल रही है लेकिन एक तरह से उसका विशेषण जोड़ा कि वह सम्यक दर्शन कैसा है कि वर्तमान में राग सहित है तो राग सहित जो सम्यक दर्शन है सरार सम्यक्त्व कहा। माने जैसे यहाँ पे सात तत्वार्थों के श्रद्धान को सरार सम्यक्त्व दर्शन कहा माने सात तत्वार्थों का जो भेद रूप श्रद्धान है वो भी राग है। माने क्या ये जो भेद रूप श्रद्धान हो रहा है ना ये जो रुचि हो रही है
ये रुचि है, ये राग है, ये शुभ राग है। जैसे देव शास्त्रों के प्रति शुभ राग, ऐसे सात तत्पाठों का भी प्रति शुभ राग, माने जो उनकी भेद रूप प्रतीति है उसको शुभ राग का, और उस राग सहित सम्यक दर्शन है, इसलिए वह क्या है, राग सम्यक। बात पकड़ में आ रही है, कठिन तो नहीं पड़ रहा या अथवा इसको ऐसा कहा जाए कि चारित्र का श्रद्धा पे उपचार किया गया है, माने क्या सम्यक, तो श्रद्धा गुण का परिणाम है। सम्यक माने श्रद्धा होना, मैं आत्मा हूँ, अब इसकी श्रद्धा है या नहीं है, मैं आत्मा हूँ इसकी श्रद्धा हो गई तो ये सम्यक श्रद्धा, मैं आत्मा हूँ इसकी श्रद्धा नहीं हुई तो ये मिथ्या श्रद्धा, इसमें राग और वितरागता का कोई काम नहीं है। लेकिन अब जो राग और वितरागता है ये चारित्र गुण की पर्याय है, अब उस चारित्र गुण की पर्याय का सम्यक दर्शन पर उपचार करना, हिसाब जो सम्यक दर्शन है वह राग सहित है कि वितरागता सहित है, तो राग सहित दिखाई देगा तो उसी सम्यक दर्शन को सराग सम्यक कहा जाएगा, और जब वितरागता सहित दिखाई देगा तो वितराग सम्यक कहा जाएगा। और वास्तव में तो यहाँ पे मेजोरिटी की बात है, क्योंकि राग तो दसवें गुण स्थान तक है, लेकिन दसवें गुण स्थान में जो सम्यक है उसे वितराग सम्यक कहा, अरे छठे सातवें गुण स्थान में जो सम्यक है उसे वितराग सम्यक कहा। क्यों? क्योंकि वहां पे मेजोरिटी किसकी है, चौथे गुण स्थान में मेजोरिटी राग की है, एक अंश में वितरागता है और तीन अंशों में राग है, तीन दशा चौकी विद्यमान है, तो बहुलता किसकी है, मेजोरिटी किसकी है, राग की है। तो इस कारण चौथे गुण स्थान में पाए जाने वाला जो सम्यक है उसे क्या कहा, सराग सम्यक। अब जब छठे सातवें गुण स्थान में अपन पहुंचते हैं तो वहां पे तीन अंशों में वितरागता है और एक अंश में राग है, तो वहां पे मेजोरिटी किसकी है, कि वहां पे बहुलता वितरागता की, तो वहां कहा वितराग सम्यक। ये सम्यक कैसा है कि वितरागता से युक्त है, लेकिन दोनों ही प्रकार के सम्यक को देखा जाए तो दोनों ही सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, मानस का श्रद्धान परम, तो मानी चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हुआ, चाहे सम्यक दर्शन हुआ तो वहां तो सम्यक दर्शन की पूर्णता हो गई। अब जो उपचार किया जा रहा है वो चारित्र की अपेक्षा किया जा रहा है, माने वितरागता की अधिकता है या अभी राग की अधिकता है, उस अपेक्षा से वहां उपचार करके सराग सम्यक हो अथवा वितराग सम्यक हो, ऐसे दो भेद वहां पे किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो सराग सम्यक है उसे भी व्यवहार सम्यक ही कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो राग के साथ उपमा की जा रही है सम्यक की, राग सहित सम्यक दर्शन होना, वास्तव में तो सम्यक दर्शन में राग का प्रवेश नहीं है, सम्यक दर्शन अलग है और राग अलग है, लेकिन ये उच्चरित कथन किया जा रहा है, मिलाकर कथन किया जा रहा है, राग और सम्यक को मिलाकर कथन किया जा रहा है, इसलिए ये भी व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, थोड़ा सा टेक्निकल विषय है लेकिन देखा जाए तो बहुत सरल विषय है, माने सराग सम्यक और व्यवहार सम्यक, इन दोनों के प्रतिपाद्य बस अलग अलग है, इसलिए दो तरह से कथन किया गया है। जैसे क्या, जपन दो कथन करें, घी का घड़ा और घड़े का घी, क्या अंतर है दोनों, घी का घड़ा, घी के घड़े में समझाना किसको है, घी का घड़ा, आप घी का घड़ा उठा कर लाओ, आप किसको उठा कर लाओगे, जिसमें घी रखा हो ऐसे घड़े को उठा कर लाएंगे ना, तो दस घड़े रखे हुए हैं, आपने कहा घी के घड़े को उठा कर लाओ, तो दस घड़ों में से आपने किसको उठा कर लाए, जिसमें घी रखा हुआ है, ऐसे घड़े हमारे प्रतिपाद्य वहां पे घड़ा है, समझाया किसके माध्यम से जा रहा है, घी के माध्यम से, कि भाई दस घड़े हैं, एक में पानी है, एक में घी है, एक में तेल है, आपको कौन सा घड़ा उठा करके लाना है, कि घी वाला घड़ा उठा करके लाना है, तो समझाया जा रहा है घी के माध्यम से, और समझा किसको जा रहा है, घड़े को, माने यहाँ पे प्रतिपाद्य कौन है, घड़ा। अब कहा जाए घड़े का घी,
अब यहाँ पे प्रतिपाद्य क्या है? यहाँ पे घी प्रतिपाद्य है कि घी तो 10 अलग अलग बर्तनों में रखा था, एक घड़े में भी रखा है, एक प्लास्टिक के बर्तन में भी है, एक स्टील के बर्तन में भी है। कौन सा घी चाहिए? घड़े का घी चाहिए। माने यहाँ पे प्रतिपाद्य क्या हो गया? घी प्रतिपाद्य। घी का घड़ा, तो यहाँ घड़ा माने यहाँ मुख्य क्या है? घड़ा। माने घड़े को समझाना है और घड़े का घी यहाँ पे घी को समझाना है। ऐसे ही सराज सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व, यहाँ मात्र प्रतिपाद्य का अंतर है। व्यवहार सम्यक्त्व में सम्यक दर्शन किसे कहा जा रहा है? कि जो वास्तव में तो सम्यक्त्व नहीं है लेकिन उपचार से सम्यक दर्शन कहा जा रहा है। माने जो शुभ भाव है कि उसे सम्यक दर्शन कहना, यह व्यवहार सम्यक दर्शन। माने जो भेद रूप प्रतीति है, जो शुभ राग है, उसे सम्यक दर्शन कहना, यह व्यवहार सम्यक दर्शन। माने क्या? कि जो सम्यक दर्शन तो नहीं है लेकिन उपचार से सम्यक दर्शन कहा जा रहा है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। माने यहाँ प्रतिपाद्य कौन है? व्यवहार सम्यक को जब कह रहे हैं, यहाँ पे वास्तविक जो सम्यक दर्शन है वो प्रतिपाद्य नहीं है। जो उपचार से सम्यक दर्शन कहा जा रहा है, माने शुभ भाव, शुभ राग अथवा शुभ क्रिया, उन सबको सम्यक दर्शन कहा जा रहा है, तो वे प्रतिपाद्य है। माने उन्हें उपचार से सम्यक दर्शन कहा जाए। और जहाँ सराग सम्यक की बात है, वहाँ सम्यक दर्शन तो वास्तविक सम्यक दर्शन ही है। माने यहाँ प्रतिपाद्य सम्यक दर्शन ही है, कि वो आत्मा की अनुभूति रूप सम्यक दर्शन है, वही वास्तविक सम्यक दर्शन है। लेकिन सराग कहकर के बताया जा रहा है कि जो चारित्रगत कमजोरी है वो वर्तमान में विद्यमान है। तो सराग सम्यक में जो प्रतिपाद्य है वो तो सम्यक दर्शन ही है, लेकिन अंतर बस इतना है कि वहां चारित्रगत जो कमजोरी है उसको भी दर्शाया जा रहा है, और व्यवहार सम्यक दर्शन में तो जो सम्यक दर्शन नहीं है उसे सम्यक दर्शन कहा जा रहा है। माने दोनों के प्रतिपाद्य में अंतर है, एक घी का घड़ा कहना और एक घड़े का घी कहना, ऐसा अंतर इन दोनों में है। लेकिन वास्तव में सराग सम्यक को भी व्यवहार सम्यक क्यों कहा? क्योंकि राग और सम्यक तो इन दोनों को मिलाकर के कथन किया जा रहा है। चारित्र गुण की पर्याय और श्रद्धा गुण की पर्याय, इन दोनों को मिलाकर के कथन किया जा रहा है, इसलिए इसे भी व्यवहार सम्यक के खाते में डाला। ठीक है, कठिन तो नहीं पड़ना है, सम्यक दर्शन तो बहुत सरल है। एक आत्मा का श्रद्धान होना, इसका नाम ही सम्यक दर्शन है। अब उस सम्यक दर्शन के साथ क्या पाया जा रहा है, इस अपेक्षा भेद खड़ा हो गया सराग सम्यक दर्शन, कि भाई चौथे गुण स्थान में भी राग पाया जा रहा है। देवसा गुरु का राग भी है, सात तत्वार्थों का भी राग है, इसके अलावा अन्य जो परिवार आदि है उनके प्रति भी राग पाया जा रहा है, तो ये सब पाया जा रहा है, इसलिए उसका नाम रखा सराग। सम्यक दर्शन में कुछ नहीं बदला है, चौथे दर्शन है तो छाई सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन रूप में ही है, उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं हुआ है। अरे वीतराग सम्यक हो गया तो सम्यक दर्शन में कुछ बढ़ गया क्या? उस समय भी छाई सम्यक दर्शन तो वो छाई सम्यक दर्शन ही है, मात्र उसके साथ जो पाया जा रहा है उसको दर्शाया जा रहा है। चारित्रगत कितनी शुद्धि अथवा अशुद्धि विद्यमान है उसको साथ में सम्यक दर्शन के साथ बताया जा रहा है, तो वह सराग सम्यक हो। वीतराग सम्यक कहेंगे तो वहां पे राग चला गया है और वीतराग का अधिक है, तो वह वीतराग सम्यक हो। सराग सम्यक तो कहा तो अभी राग विद्यमान है और वीतराग का मात्र एक अंश है, इतना ज्ञान मात्र सराग सम्यक कहकर के कराया गया। और व्यवहार सम्यक दर्शन तो जो वास्तविक सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन जब जब सम्यक दर्शन होता है तो व्यवहार बाहर में ऐसा व्यवहार सम्यक दृष्टि जीव का हो गई होगा। माने जिसे आत्मा का ज्ञान हुआ है, आत्मा का श्रद्धान हुआ है, तो वह जिन्हें भगवान में भी निशंक हुए बिना नहीं रहे। जिसे आत्मा में संतुष्टि हुई है तो बाहर में उसे पंचेंद्रीय विषयों की भोगाकांक्षा नहीं होगी। जिसे आत्मस्वरूप में ग्लानी नहीं है तो उसे बाहर में भी अपने साधर्मियों के प्रति ग्लानी उत्पन्न नहीं। माने उसका बाहर का जो व्यवहार है वो ऑटोमेटिक ऐसा होता ही, इसलिए उसे भी सम्यक दर्शन का बात पकड़ में आ रही है। चलिए, तो
इस प्रकार उक्त प्रकार से तीन मूर्ता आठ मद छह अनायतन और शंकादि आठ दोष रहित शुद्ध जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान जिसका लक्षण है ऐसा सरा सम्यक्व नामक व्यवहार सम्यक्व जानते। ये फुटनोट में भी कहा भूमिका योग्य व्यवहार अथवा शुभ लाभ के साथ का अनुपचरित सम्यक दर्शन माने क्या कि भूमिका योग्य जो राग विद्यमान है उसके साथ पाया जाने वाला जो सम्यक दर्शन है उसे सरा सम्यक कहा और ऐसे सरा सम्यक को व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। क्यों? यहाँ पे दो अलग अलग गुणों की पर्याय को मिलाकर के कथन किया जा रहा है, श्रद्धा और चारित्र। भाई सम्यक दर्शन में राग और वितरकता का कार्य ही नहीं है, श्रद्धा का कार्य है श्रद्धान करना। मैं जीव हूँ, अब या तो उसका श्रद्धान होगा या श्रद्धान नहीं होगा। श्रद्धान होगा तो वही श्रद्धा सम्यक दर्शन कहलाएगी, श्रद्धान नहीं होगा तो वही श्रद्धा मिथ्या दर्शन नाम पाएगी। अब राग और वितरकता का जो कार्य है वह तो चारित्र गुण की पर्याय है, माने राग का उत्पन्न होना अथवा राग का उत्पन्न नहीं होना ये दोनों ही कार्य चारित्र गुण के कार्य है। तो अभी विद्यमान में राग अधिक है तो अधिक राग के साथ पाया जाने वाला जो सम्यक दर्शन उसे सरा सम्यक दर्शन, कम राग के साथ अथवा अधिक वितरकता के साथ पाया जाने वाला सम्यक दर्शन उसे वितरक सम्यक होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा, इतना भेद है सराग और वितरक सम्यक होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़े, कोई कन्फ्यूजन कोई प्रश्न इस संबंध में? चलिए आगे। उसी प्रकार उसी व्यवहार सम्यक्त्व से परंपरा से साध्य ऐसा शुद्ध उपयोग लक्षण निश्चय रत्नात्रय की भावना से उत्पन्न परम आह्लाद जिसका एक रूप है ऐसे सुखामृत रस का आस्वाद ही उपादेय है और इंद्रिय सुखादि हेय है, ऐसी रुचि रूप वीतराग चारित्र का अविनाभावी वीतराग सम्यक्त्व नामक निश्चय सम्यक्त्व जानना। ऊपर सराग सम्यक्त्व को व्यवहार सम्यक्त्व कहा था और यहाँ पे वीतराग सम्यक्त्व को निश्चय सम्यक्त्व कहा जा रहा है। और वह निश्चय सम्यक्त्व अथवा वीतराग सम्यक्त्व कैसा है कि वीतराग चारित्र का अविनाभावी है, माने जहाँ वीतराग सम्यक्त्व होता है तो वहां वीतराग चारित्र भी हो गई होगा। अब वीतराग चारित्र माने क्या, यहाँ भी दो भेद पड़ जाएंगे, सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। अब देखिए यहाँ पे भी दो प्रकार से भेद किया, एक सराग चारित्र और वीतराग चारित्र। तो सराग चारित्र और वीतराग चारित्र माने क्या कि जो तीन कषाय चौके के अभाव में उत्पन्न होने वाला चारित्र है उसे वीतराग चारित्र का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राग बहुत अल्प है और वीतरागता बहुत अधिक है तो उसे वीतराग चारित्र नाम दिया। और सराग चारित्र माने चौथे गुण स्थान में भी माने सम्यक्त्व चरचारित्र की अपेक्षा से उसे भी सराग चारित्र कहा जा सकता है। और मुख्य रूप से जो बात आती है वह पांचवें गुण स्थान की अपेक्षा, माने वहां पे जो एक देश चारित्र अंगीकार है उसे सराग चारित्र, माने राग भी विद्यमान है और लेकिन उन राग के साथ जो चारित्र है वो भी पाया जा रहा है तो सराग चारित्र इस प्रकार से वहां पे भेज दिया। मुख्य बात यहाँ पे है कि वो वीतराग चारित्र का लक्षण क्या कहा कि शुद्धोपयोग लक्षण निश्चय रत्नात्रय की भावना से उत्पन्न परम आह्लाद जिसका एक रूप है ऐसे सुखामृत का आस्वाद ही उपादेय है और इंद्रिय सुखादि हेय है, ऐसी रुचि रूप वीतराग चारित्र का अविनाभावी, माने वह जो वीतराग सम्यक्त्व है वह कैसा है, वीतराग चारित्र का अविनाभावी। अविनाभावी माने जब जब वीतराग सम्यक्त्व होगा तब तक वीतराग चारित्र भी हो गई, माने वो चारित्र उत्पन्न ना हो ऐसा संभव नहीं। तो वीतराग चारित्र का अविनाभावी वीतराग सम्यक्त्व नामक निश्चय सम्यक्त्व जानना। अब यहाँ पे वीतराग सम्यक्त्व नामक निश्चय सम्यक्त्व, निश्चय सम्यक्त्व माने जो वास्तव में सम्यक दर्शन है उसे सम्यक दर्शन कहना, ये वास्तव में निश्चय सम्यक्त्व दर्शन। तो अपने आत्म स्वरूप का ही श्रद्धान होना वही निश्चय सम्यक्त्व दर्शन है
उसे वीतराग सम्मित्व कहें। और वह वीतराग सम्मित्व कैसा है कि वीतराग चारित्र का अविनाभावी होता है, माने जहां जहां वीतराग सम्मित्व होगा वहां वहां चारित्र की हो गई होगा। ऐसा नहीं होगा कि सम्मित्व हो और वीतराग चारित्र उत्पन्न न, जहां जहां सम्मित्व है वहां वहां चारित्र भी पाया ही जाता है, तो उसे वीतराग चारित्र का अविनाभावी कहा जाता है, माने जिसके बिना जो नहीं होता है, तो वीतराग सम्मित्व में बिना वीतराग चारित्र भी नहीं होता। तो इस प्रकार से जो वीतराग चारित्र है वह वीतराग सम्मित्व का अविनाभावी है और उसे ही यहाँ पे निश्चय सम्मित दर्शन कहा जाता है। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि आत्मा के श्रद्धान का नाम ही निश्चय सम्यक दर्शन है, माने जहाँ आत्मा का श्रद्धान है वह निश्चय सम्यक दर्शन है, और जहाँ आत्मा का श्रद्धान होता है वहाँ बाहर में देवशास्त्र का सात तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है। माने आत्मा का श्रद्धान हो और देवशास्त्र का श्रद्धान ना हो ऐसा नहीं होगा, तो उतना राग भी पाया ही जाएगा। चौथे गुणस्थान में है तो चौथे गुणस्थान के अनुकूल राग पाया ही जाएगा, पांचवें गुणस्थान में है तो एक देश व्रत को अंगीकार करने का जो राग है, 11 प्रतिमाओं को अंगीकार करने का जो राग है वो पाया ही जाएगा। छठे सातवें गुणस्थान में पहुंच गए हैं तो वहां पर जो 28 मूल गुणों के पालन का राग है उतना राग पाया ही जाता है। बात पकड़ में आ रही? अब चूंकि ये सब सहचारी है इसलिए इन पर भी सम्यक्त्व का उपचार होता है, जहां जहां ये सम्यक दर्शन है वहां वहां ये राग भी पाया जाता है, तो इसलिए उन्हें भी सम्यक दर्शन की जो नाम है वो दिया जाता है, क्योंकि सहचारी बना है। जहां जहां सम्यक दर्शन जा रहा है वहां वहां ये राग भी जा रहा है, तो इसलिए सहचारी होने के कारण उसे भी सम्यक दर्शन नाम दिया जाता है। लेकिन जब निश्चय सम्यक दर्शन के स्वरूप को हम समझते हैं तो हमें ख्याल में आता है कि वास्तव में सम्यक दर्शन किसका नाम है, कि आत्म श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और जब आत्म श्रद्धान होता है तो बाहर में ऐसा राग होता ही। चलिए, यहाँ व्यवहार सम्यक्त्व के कथन में निश्चय सम्यक्त्व का कथन किस लिए किया, प्रश्न खड़ा किया कि भाई बात तो व्यवहार सम्यक दर्शन की चल रही थी, तो यहाँ पे निश्चय सम्यक्त्व दर्शन की बात क्यों उठी? व्यवहार सम्यक्त्व से निश्चय सम्यक्त्व की सिद्धि होती है, ऐसा साथ ही साथ भाव का ज्ञान कराने के लिए कथन किया है कि भाई व्यवहार सम्यक्त्व का प्रयोजन क्या था, कि व्यवहार सम्यक्त्व का प्रयोजन तो निश्चय सम्यक्त्व का ज्ञान कराना है, माने जो व्यवहार सम्यक्त्व दर्शन है वह निश्चय सम्यक्त्व दर्शन का साधन है, और साधन माने क्या? अब साधन के दो अर्थ हो सकते हैं, एक अर्थ तो ये हो सकता है कि व्यवहार सम्यक दर्शन करते करते निश्चय सम्यक दर्शन हो जाए, इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन में निश्चय सम्यक दर्शन का साधन है, ये अर्थ यहाँ पर नहीं है। साधन का अर्थ है ज्ञान कराने वाला, जैसे धुएं के माध्यम से अग्नि का ज्ञान होता है, तो अग्नि का ज्ञान करने में धुआं साधन है, माने साधन से साध का ज्ञान होना न्याय की भाषा में से कहा जाता है अनुमान ज्ञान, माने साधना साध विज्ञानम अनुमान, माने साधन से साध का ज्ञान होना उसे अनुमान कहते हैं। तो यहाँ पे साधन का अर्थ ज्ञापक के अर्थ में है, माने जो ज्ञान कराने वाला, माने व्यवहार सम्यक दर्शन वह निश्चय सम्यक दर्शन का ज्ञान कराने वाला है। माने कैसे पहचाना जाए कि कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, तो उसको व्यवहार सम्यक दर्शन के माध्यम से ही पहचाना जा सकता है। भाई जिसको सात तत्वार्थों का श्रद्धान है, देवशास्त्र का श्रद्धान है, जिसके जीवन में अन्याय नीति अवश्य नहीं है, जो 11 प्रतिमाओं का पालन करता है अथवा 28 मूल गुणों का पालन करता है, कि वही सब जीव कैसे हैं, सम्यक दृष्टि है, तो व्यवहार सम्यक दर्शन के माध्यम से निश्चय सम्यक दर्शन को समझाया गया है, लेकिन वास्तव में वह सम्यक दर्शन है नहीं। जैसे बाजार में फल लेने जाते हैं तो आप अच्छे फल की पहचान कैसे करते हैं, ऊपर के छिलका देखकर ही तो आप पहचान करते हैं कि यदि छिलका अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, वो छिलका फल है या उस छिलके के अंदर पाया जाने वाला जो मूल दल है वो फल है? फल तो जो अंदर पाया जाता है वही है, सेवन भी उसी का किया जाता है,
एक समय के बाद तो आप छिलके को उठा करके फेंक देते हो, एक समय वो छिलका इतना उपयोगी है कि उसके आधार से ही आप ये निर्णय करते हो कि वो फल अच्छा है या बुरा है। उसे ही लेकर आते हो आप, छिलके को ही माने अच्छा समझते हो कि वो छिलका अच्छा है तो उसको अपन लेकर जाते हैं। उपयोगिता किसकी है, महत्व किसका हो गया यहाँ पे, वो छिलके का महत्व माने एक समय तो इतना महत्व कि वो छिलके से ही सारे निर्णय हो रहे हैं। आप रुपए भी देके आ रहे हो छिलके के, जब वजन होगा तो छिलके का भी वजन होगा। कहीं कहीं दर्जन से केले मिलते हैं, कहीं कहीं वजन से मिलते हैं, तो जब वजन से केले मिलते हो तो आप ऐसा फिर उस छिलके को उतरवा के वजन करवाते हो, और यदि छिलका उतरवा के आपने वजन करवाया तो कुछ भी नहीं मिलते। अरे एक समय तो इतनी उपयोगिता, इतना महत्व, और जैसे ही घर आ गए और सेवन करने की बात आई आपने उसे उठा करके फेंक दिया, अब इतना अमहत्वपूर्ण हो गया, इतना बेकार हो गया कि भाई उसकी जितनी उपयोगिता थी उतना महत्व नहीं दिया, और जहां उसकी उपयोगिता खत्म हो गई तो उसको कचरा समझकर हटा दिया। बात पकड़ना, माने उस छिलके की उपयोगिता इतनी थी कि वह जो फल है उसका ज्ञान कराता, दूसरी उसकी रक्षा करता, दो कारण, माने उसका ज्ञान कराना। भाई आपने कैसे पहचाना कि ये केला है, ये एप्पल है, ये अनानास है, छिलके को देखकर ही तो आप पहचान रहे हो कि ये अंतर है उसमें। तुम्हारे सम्यक की पहचान किसने कराई, कि व्यवहार से माने उस सम्यक दर्शन की पहचान की। दूसरी बात, वह जो छिलका है वह उस फल की रक्षा करने वाला है, माने यदि वो छिलका हटा दिया जाएगा तो फल भी बेकार हो जाने वाला है। उसी तरह जो भीतरा सम्यक प्रकट हुआ है, वास्तव में जो निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, एक प्रकार से उसका रक्षा कवच ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। माने जितनी उपयोगिता है उसको भी समझना, लेकिन यदि कोई कवच को ही उस रक्षा जो करना उसको ही फल मानकर बैठ जाए तो आप छिलके छिलके लेकर के बाजार से आ जाओ तो काम चलेगा। उस छिलके की कीमत तब तक है जब तक वो फल सुरक्षित है अंदर, फल है तो छिलके की कीमत है, फल नहीं हो तो इतना भी छिलका रख दो उसकी कोई कीमत रहे नहीं होगी। तो माने व्यवहार में भी जितना शुभ राग है, शुभ क्रिया है, वो भी सम्यक दर्शन नाम क्यों पाते हैं, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन है, आत्म श्रद्धान है, तो बाहर में राग को भी शुभ राग कहा जाएगा, शुभ क्रियाएं कही जाएगी, उनका भी महत्व होगा। लेकिन यदि आत्म श्रद्धान ही ना हो तो माने वो शुभ राग मोक्ष का कारण नहीं है, उस शुभ राग से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली है, मोक्ष की प्राप्ति का कारण तो आत्म श्रद्धान ही है। लेकिन चूंकि जो व्यक्ति आत्म श्रद्धान करता है उसके साथ साथ बाहर का शुभ राग पाया ही जाता है, इसलिए उसे भी सम्यक दर्शन नाम दिया गया। बात पकड़ना है, तो व्यवहार सम्यक से निश्चय सम्यक की स्थिति होती है, सिद्धि होती है माने क्या, व्यवहार सम्यक दर्शन करते करते आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा अर्थ नहीं है। व्यवहार सम्यक दर्शन के माध्यम से निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान का विषय बनता है। अब कैसे समझाया जाए निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन माने क्या, कैसे समझाया जाए, आठ अंगों के माध्यम से समझाया, तीन मूर्ताओं के त्याग के माध्यम से समझाया कि भाई जिसके जीवन में तीन मूर्ता नहीं है, अनायतन का त्याग है, जिसके जीवन में आठ अंग पाए जाते हैं, जिसके जीवन में आठ मद नहीं होते हैं, वो सम्यक दृष्टि है। माने निश्चय सम्यक दर्शन को समझाने के लिए आश्रय व्यवहार सम्यक दर्शन का लिया गया है। ये अर्थ है कि व्यवहार सम्यक दर्शन से निश्चय सम्यक दर्शन की सिद्धि होती है, वो व्यापक साधन है लेकिन वह सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं। माने क्या, जैसे धुएं के माध्यम से अग्नि की पहचान होती है लेकिन धुआं अग्नि का स्वरूप नहीं है, धुआं अलग है अग्नि अलग है, लेकिन अग्नि की पहचान करनी हो तो कैसे किया, आपको यहाँ उठता हुआ धुआं दिखाई दिया तो आप तुरंत पहचान गए, यदि धुआं दिख रहा है इसका मतलब अग्नि कहीं ना कहीं अग्नि निश्चित रूप से है। बात पकड़ में आ गई, लेकिन वह धुआं अग्नि का स्वरूप नहीं,
ऐसे ही व्यवहार सम्यक दर्शन के माध्यम से निश्चय सम्यक दर्शन की पहचान होती है, लेकिन वह व्यवहार सम्यक दर्शन दर्शन का वास्तविक स्वरूप नहीं है। यदि अग्नि नहीं होगी तो धुआं होगा, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। माने वो धुआं भी कब अग्नि का साधन कहा जाएगा कि जब अग्नि होगी, अग्नि ना हो तो धुआं किसका साधन होगा? अरे धुआं ही नहीं होगा। ऐसे ही जहाँ निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है तो वहां व्यवहार सम्यक दर्शन होगा? व्यवहार सम्यक दर्शन नाम ही तब दिया जब निश्चय सम्यक दर्शन है, क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन तो निश्चय सम्यक दर्शन का सहचारी है। माने बाराती कब कहलाएंगे? जब दूल्हा होगा। दूल्हा है तो भीड़ बाराती कहलाती है, यदि दूल्हा ही ना हो तो मात्र भीड़ है ना। बारात नाम तो तब कहेगी कि जब दूल्हा होगा, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ऐसे ही शुभ राग व्यवहार सम्यक नाम कब पाता है? कि जब निश्चय सम्यक दर्शन हो, जो सहचारी पना होगा। अब सहचारी पना किसका? जो साथ में चले, किसके साथ में चले? ये आत्मश्रद्धान के साथ साथ जो चले वो सब सम्यक दर्शन। तो आत्मश्रद्धान ही ना हो तो साथ में चलने की बात ही नहीं। दूल्हा ही ना हो तो साथ में किसके चले? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। देख तो व्यवहार सम्यक से निश्चय सम्यक्त्व की सिद्धि होती है, ऐसा साध्य साधक भाव का ज्ञान कराने के लिए कथन किया है। माने व्यवहार सम्यक दर्शन से निश्चय सम्यक दर्शन की सिद्धि होती है। सिद्धि माने ज्ञान होता है, तो इस साधन साध्य का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार सम्यक दर्शन के साथ निश्चय सम्यक दर्शन का वर्णन भी किया है। क्योंकि व्यवहार सम्यक दर्शन का तो प्रयोजन ही ये है कि वह निश्चय सम्यक्त्व को प्रसिद्ध करे। जो व्यवहार सम्यक्त्व निश्चय सम्यक्त्व को प्रसिद्ध ना करे तो वह व्यवहार सम्यक्त्व ही ना हो। छिलके का तो कार्य ही ये है कि वह उस फल का ज्ञान करे। अब यदि वह छिलका ज्ञान ही ना करे, फल को सुरक्षित रखे, यदि ये दो कार्य ना करे तो फिर वो छिलके की क्या कीमत? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। व्यवहार सम्यक्त्व से निश्चय सम्यक्त्व की सिद्धि होती है, ऐसा साध साधक भाव का ज्ञान कराने के लिए इस प्रकार का कथन यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे कुल मिलाकर के जो पूरी चर्चा थी वो समाप्त हुई है। अब आगे जो चर्चा आने वाली है, माने सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं, तो छह डाला में पद पढ़ते हैं। प्रथम नरक में सठू ज्योतिषारी, तो ये सारी जो चीजें चर्चा है वो अब यहाँ पे आगे से प्रारंभ होने वाली है। माने सम्यक दृष्टि जीव किन किन पर्यायों को प्राप्त नहीं करता है, और विस्तार से भी इसमें कथन किया जाएगा कि जैसे यदि आयु बंद गई हो नरक की तो फिर कौन से नरक तक जा सकता है, अथवा देव आयु का बंद हो गया हो तो कौन सी देव देव माने कौन कौन सी आयु माने गतियों को प्राप्त हो सकता है, देव गति में भी किन किन जाति के देव बन सकता है, किन जाति के देव नहीं बनता है, स्त्री पर्याय प्रकट होती है कि नहीं होती है, नपुंसक पर्याय प्राप्त होगी कि नहीं होगी। माने जो सम्यक दृष्टि जीव है तो ये पर्याय प्राप्त होती नहीं है, लेकिन नरक आयु बन जाए या मनुष्य आयु बन जाए, देव आयु बन जाए, त्रेच आयु बन जाए, स्त्री पर्याय तो बन देती ही नहीं, वो देखना पड़ेगा। ये तो इस प्रकार से वो पूरा वर्णन वो इसमें चर्चा पूरी इसमें आने वाली थी। तो इस प्रकार यहाँ पे जो सम्यक दर्शन का स्वरूप था वो यहाँ पे एक प्रकार से पूरा हो गया है। आज थोड़ी सी टेक्निकल चर्चा हुई है, लेकिन बहुत माने कठिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मात्र सम्यक दर्शन तो आत्मश्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। अब जो सम्यक दर्शन नहीं है उसे भी सम्यक दर्शन कहना व्यवहार सम्यक दर्शन। आत्मश्रद्धान के साथ जितना राग पाया जा रहा है उसको सरा सम्यक्त्व कहा, आत्मश्रद्धान के साथ जितनी वीतरागता पाई जा रही है उसे वीतराग सम्यक्त्व कहा। मात्र इतना ही समझना है। मूल सम्यक दर्शन तो आत्मश्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। अब आत्मश्रद्धान के साथ जो जो बाहर में पाया जाता है तो उसको जो शुभ भाव है माने जो मोक्ष मार्ग में एक प्रकार से साधन कहे जाते हैं उन्हें व्यवहार सम्यक्त्व दर्शन कहा, उस राग को सराग सम्यक्त्व का, बीत रागता को बीत राग सम्यक्त्व का, इतना मात्र अपने को समझना। शेष चर्चा पर
चाहो काज आत्म का तू शरणा